बात आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश हो सकती है। विकासपुरी के रोड शो के दौरान हमले की कोशिश हुई है, आम आदमी पार्टी का कहना है। बीजेपी के गुंडों ने किया है हमला, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। सौरभ भारद्वाज इस पर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कई बार हमला करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। अरविंद जी जेल में थे तो तिहाड़ में उनकी इंसुलिन को बंद किया गया, कोशिश की गई कि उनकी किडनी खराब हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। और अब इस तरीके का हमला बहुत ज़्यादा कायराना है, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अरविंद जी जब जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है। हम ये बात साफ करना चाहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की जान पे कोई भी खतरा होता है, उनका कोई भी नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। लगातार उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। क्या हुआ तो दिल्ली के लोग भाजपा वालों से बदला लेके रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए सिर्फ एक नेता नहीं है, अरविंद केजरीवाल उनके बेटे हैं, अरविंद केजरीवाल उनके भाई हैं, अरविंद केजरीवाल उनके बच्चों के गार्डियन हैं, जो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उनके बुजुर्गों को अच्छा इलाज देते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी वालों ने अरविंद केजरीवाल जी का बाल भी बांका किया तो पूरी दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी से बदला लेंगे। दिल्ली वालों को पता है कि हर बार जब अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ है, चाहे वो दिल्ली सचिवालय में हो, चाहे वो मोती नगर में हो, हर बार हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का निकला है। और भारतीय जनता पार्टी फिर दिल्ली पुलिस को अपने कार्यकर्ताओं पर एक्शन नहीं लेने देती है, क्योंकि वरना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये सारी साजिश भारतीय जनता पार्टी की थी। आज भी जब हमलावर पर जांच होगी, दिल्ली पुलिस की भी जांच में यही निकल कर आएगा कि हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का वर्कर था। मैं चैलेंज करती हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अगर हिम्मत है तो जांच करवा के दिखाओ, अगर हिम्मत है तो इस हमलावर पे सख्त से सख्त सजा करवाओ। लेकिन ये हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि यह हमला उन्हीं ने करवाया है। भारतीय जनता पार्टी वालों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करो, चाहे अपनी गंदी राजनीति से उनको हमला कराने की कोशिश करो, तुम अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा पाओगे। दिल्ली वाले भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को ही वोट देंगे और अरविंद केजरीवाल जी को ही चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए ये गंदी राजनीति बंद करो। क्या हुआ मैम? विकासपुरी के रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमले का आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने। मुख्यमंत्री आतिशी बता रही थी ये आरोप लगाया है बीजेपी पर सीधे तौर पर, और हम सब जानते हैं कि चुनावों को लेकर जो राजनीति है शुरू हो गई है।